स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट आंसर इफ ए बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चार ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें फाइंड करना है। अब ये जो है, अगर ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक का मतलब हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर है, और साथ में अगर उसको इंटरचेंज किया जाता है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती। साइमेट्रिक का मतलब यही होता है। और तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो सबसे पहले ये गिवन है, ए बी माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का ट्रांसपोज कर देते हैं। गिवन ए बी माइनस बी ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। तो सॉरी, ये मतलब इसको हमें तो प्रूव ही करना है। तो ट्रांसपोज बॉथ साइड, ट्रांसपोज ऑफ बॉथ साइड्स। जो अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ये बराबर होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। अब दोबारा जब इसका ट्रांसपोज होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पर तो पहले बच्चे यहाँ दिया है, मतलब बी ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगेन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और होल ट्रांसपोज तो ये आपको पता है, ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो इसी तरह ये बन जाएगा बी ए माइनस ए बी। और यहाँ पर क्या होगा, हम इसको बी ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। और ये क्या हो गया, ये निगेटिव आ रहा है। देखिए, ये ए बी माइनस बी ए है, यहाँ ए बी माइनस बी ए, लेकिन ये माइनस में आ गया, हेंस ये क्या होगा, दिस इज इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और इसका आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट, इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपके पास है, और एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1001 का मैट्रिक्स है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, मतलब अल्फा हमारी डिग्री है, और इस डिग्री की वैल्यू को निकालना है, वो भी रेडियन में। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इजकल टू यह है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा, ठीक है।
अब इसको हम यहाँ ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बनेगा कॉस और कॉस टू कॉस अल्फा माइनस साइन जीरो हो जाएगा और साइन यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर टू कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। बट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स क्या होगा, देन इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो टू कॉस अल्फा जीरो जीरो टू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा आइडेंटिटी मतलब वन जीरो जीरो वन, ठीक है। ये आइडेंटिटी की वैल्यू होती है, आपको ओरल में याद रखना है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है ए वन वन तो वन वन से, टू वन टू का वन टू से, टू वन का टू वन से और टू टू का टू से। तो हम वन वन का ले लेते हैं तो टू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया वन कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा और कॉस अल्फा अल्फा इक्वल टू कॉस किसकी वैल्यू वन बाई टू होती है तो कॉस जीरो का वन होता है, कॉस थर्टी का रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस फोर्टी फाइव का वन बाई रूट टू होता है और कॉस सिक्सटी का वन बाई टू होता है। साइन थर्टी का मान कॉस सिक्सटी के इक्वल होता है और साइन थर्टी जो है एक वन बाई टू होता है तो कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है और कॉस सिक्सटी का मतलब हो गया कॉस पाई बाई थ्री क्योंकि पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आ गया, कैंसल आउट हो गया और ये अल्फा इक्वल टू हो गया पाई बाई थ्री और ये इसका वैल्यू आ गई तो पाई बाई थ्री क्या है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अरे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।